नमस्कार, भारत की आवाज द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को देखने से पहले आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में राष्ट्रहित के पोस्ट आप अवश्य देख सकें। हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी लंबे समय से भारतीयों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जिसे हम जानते तो थे लेकिन आज तक समझ नहीं पाए कि कैसे लड़ा जाए। संविधान के ज्ञाता होने के कारण अश्विनी उपाध्याय जी ने संविधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी स्वीकार करी और बहुत हद तक जीतते भी जा रहे हैं। एक एक करके सोया हुआ हिंदू जागता भी जा रहा है। आज का वीडियो अति आवश्यक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून को चैलेंज किया है। उनका मानना है कि नाम तो पूजा स्थल कानून है, परंतु काम मुगलों के कुकर्मों को वैध करना है। आपसे निवेदन, इसे इतना शेयर करें कि सोया हुआ हिंदू जाग सके। मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया है। इस कानून के कारण देश भर में अलग अलग स्थानों पे जिन मंदिरों के ऊपर अवैध रूप से मस्जिदें बनाई गई, जिन मंदिरों के ऊपर अवैध रूप से चर्च बनाए गए, उनका विवाद आगे नहीं बढ़ रहा है। कोर्ट में जजेस इस कानून की अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। काशी के मामले में और मथुरा के मामले में तो जजों ने, वहां की कोर्ट ने कह दिया कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होगा। लेकिन भारत में ऐसे और भी बड़े महत्वपूर्ण स्थान है जिनका वर्णन हमारे वेद पुराण में है, या गीता रामायण में है, या महाभारत में है। जौनपुर में अटाला है, अहमदाबाद में भद्रकाली है, मध्य प्रदेश में भोजशाला है, ऐसे केरल में और स्थान है, कई सारे ऐसे स्थान है जिनका विवाद केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि ये कानून कहता है कि 1947 में जिन धार्मिक स्थानों की स्थिति जो थी वही कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब ये कानून मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज करता है। ये कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोर्ट जाने से रोकता है, जबकि राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। कोर्ट जाना और कोर्ट में से विवाद का समाधान करवाना, कोर्ट से न्याय लेना, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसे बहुत सारे स्थान है जिनका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में है लेकिन उनके ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है, उनके ऊपर मस्जिद बनी है, या जहां मस्जिद नहीं बनी है तो वहां भी इलीगल तरीके से वहां नमाज पढ़ी जाती है। तो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है इस कानून के कारण वो बाधित हो रही है। हमें राइट टू कल्चर है, संविधान का आर्टिकल 29 कहता है कि हमें भी राइट, सबको राइट टू कल्चर है, राइट टू ट्रेडिशन है। अब राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन इसलिए बाधित हो रहा है कि जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है, जो हमारे सांस्कृतिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, सांस्कृतिक स्थान है और ऐतिहासिक स्थान है, उन पे भी अवैध कब्जा हो रखा है, उसके लिए भी हम कोर्ट में जाके अपना समाधान नहीं करवा पा रहे। तो ये कानून एक तरीके से आर्टिकल 14 यानी रूल ऑफ लॉ का वायलेशन करता है। ये कानून डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। डेमोक्रेसी में किसी भी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन यह कानून कोर्ट जाने का रास्ता ही बंद कर रहा है, कोर्ट जाने का दरवाजा ही बंद कर रहा है। यह कानून तो यहां तक कह रहा है कि जिन धार्मिक स्थानों का विवाद कोर्ट में पहुंच गया है उस पर भी सुनवाई नहीं होगी और कोर्ट उन मुकदमों को खत्म कर देगी, यानी गवाहों के बयान नहीं होंगे, एविडेंस नहीं होंगे, दोनों पक्षों की जिरह नहीं होगी, बहस नहीं होगी और मुकदमा खत्म हो जाएगा। तो एक तरीके से कोर्ट की व्यवस्था को ही खत्म कर रहा है, न्यायिक व्यवस्था को ही यह कानून अपने आप में खत्म कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, हमारा संविधान भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रचार और प्रसार करने का निर्देश देता है, लेकिन यह कानून तो गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं के द्वारा जो इलीगल काम किए गए, जो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत सारे मठ मंदिरों को कंप्लीटली तोड़ दिया गया, बहुत सारे मठ मंदिरों के केवल गुंबद बदले गए, और बहुत सारे तो ऐसे भी स्थान है जहां न मंदिर तोड़ा गया है, न गुंबद बदला गया है, सिंपली वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया गया है और वहां पे भी हिंदुओं को जाने से रोका जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ तो भले मना रहे हैं लेकिन आज भी हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं है। हमारा जो कल्चर है वो आज भी इस कानून के कारण हमें जो है पूरी कल्चरल फ्रीडम नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, इस कानून का जिक्र कई लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, देश की अलग अलग अदालतें जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, जैसे जौनपुर का अटाला चल रहा है, या आपका भोजशाला चल रहा है मध्य प्रदेश में, या काशी चल रहा है, मथुरा चल रहा है, भद्रकाली चल रहा है, जहां जहां विवाद चल रहा है, वहां पे जो कोर्ट है
वो इस कानून का अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको 5 जजों की बेंच को रेफर करिए और एक साथ इस पर सुनवाई करा दीजिए। जो भी हो इस कानून में सही है या गलत है, एक बार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच इसको सुनवाई कर ले और फैसला कर दे, उसके बाद देश भर में विवादों का समाधान हो जाएगा। अगर ये कानून अच्छा होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि नहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ठीक है, तो ठीक है, हिंदू जैन बौद्ध सिख के पास जो दूसरा रास्ता होगा वो दूसरा रास्ता देखेंगे, या जो सरकार को जो करना होगा सरकार करेगी। लेकिन चूंकि अभी एक बार इसका इंटरप्रिटेशन जरूरी हो, इसकी वैलिडिटी को टेस्ट करना जरूरी है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करते हैं इस मामले को अब आगे नहीं बढ़ाएं, इसको बहुत ज्यादा डिले न करें, बल्कि इस पे तत्काल 5 जजों की बेंच बनाएं और इस पे सुनवाई करें। हमें पूरा भरोसा है कि ये कानून संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, ये कानून हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए एक धोखा है, ये कानून यहां के भारतीयों में भेदभाव करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो मठ मंदिर तोड़े गए हिंदू जैन बौद्ध सिख ही तोड़े गए, कोई मस्जिद तो तोड़ी नहीं गई थी, मुगलों ने कोई मस्जिद तोड़ी नहीं, मुगलों ने कोई चर्च तो उस समय बनाई नहीं था, तो चर्च कोई तोड़ा नहीं, तोड़ा क्या गया है, हिंदू जैन बौद्ध सिख के मंदिर। तो इसलिए हिंदू जैन बौद्ध सिख के निसाथ न्याय हो, हम यही आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हम यही आशा करते हैं सरकार से। सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया है, मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले, ये 3 साल बीत चुका है, 2020 से ईपीआईएल चल रही है, 2023 आ चुका है, अब सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। जो भी सरकार को लगता है ये कानून अच्छा है तो अपना एफिडेविट दाखिल कर दे, सरकार को लगता है नहीं कानून ठीक नहीं है तो भी अपना एफिडेविट दाखिल कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे और सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच बना के सुनवाई कर दे, जिससे देश भर के विवादों का जो अभी विवाद चल रहे हैं कम से कम उनका एक परमानेंट सोल्यूशन आगे निकल आएगा।